हेलो फ्रेंड्स, मितुस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी दिवाली स्पेशल मिठाई बताने वाली हूँ जो बहुत ही कम सामान में और बहुत ही सस्ते में बनकर तैयार हो जाएगी। तो बिना देर के वे जल्दी से हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। उसके लिए यहाँ मैंने ये 200 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं। इन्हें हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका छिलका आसानी से उतर जाए। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। मूंगफली के दाने रोस्ट हो चुके हैं तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट पे निकाल के हल्का सा ठंडा कर लेंगे। मूंगफली के दाने हल्के से ठंडे हो चुके हैं तो अब हम इन्हें हाथ से इस तरीके से रब करेंगे और इनका छिलका उतार लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कितने आसानी से छिलका उतर रहा है। इसी तरीके से आपको सभी मूंगफली के दानों में से छिलके उतार के अलग करना है। मैंने सभी मूंगफली के दानों में से छिलके हटा लिए हैं और आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी हमने चेंज नहीं होने दिया है। बहुत ही अच्छे से हमने इन्हें भुना है और बहुत आसानी से इनके छिलके उतर चुके हैं। मिक्सी में डालकर हमें इसका फाइन पाउडर बनाना है तो हम इसे मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। मगर पीसते हुए ध्यान रखें कि मिक्सी को रोक रोक कर चलाएं, एक साथ मिक्सी को ना चलाएं। मैंने इसे मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है और इसका ये फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम फटाफट से चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। गैस पे मैंने सेम कढ़ाई रख ली है। अब हम इसमें ये चीनी डालेंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम चीनी ली है। 200 ग्राम मूंगफली के दानों में हम 100 ग्राम चीनी डालेंगे। 1/4 कप पानी लिया है, ये 30 ml वाटर है। तो इतना पानी हमें इसमें डाल के चाशनी बनानी है। चीनी को मेल्ट कर लेंगे और एक तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं आप, चाशनी काफी गाढ़ी हो चुकी है तो इसे हम हल्का सा चेक कर लेंगे। ये देखिए एक तार बनना शुरू हो गया है, यानी हमारी चाशनी तैयार है। तो अब हम इसमें ये मूंगफली के दानों मूंगफली का पेस्ट डाल देंगे। गैस के फ्लेम को इस स्टेज पे हमें लो पे ही रखना है। लो फ्लेम पर ही हम इसे बनाएंगे। तो अब हम इसे लो फ्लेम पर ही अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये बर्तन का तलाना छोड़ने लगे। आप चाहे तो इसमें कोई एसेंस डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है वो फ्लेवर आप इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लो कॉस्ट मिठाई बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम किसी भी फ्लेवर का यूज नहीं करेंगे। ये देखिए ये काफी हद तक गाढ़ी हो चुकी है और बर्तन का तला छोड़ना इसने शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो हम इसे ज्यादा नहीं गाढ़ा करेंगे, बस इसी स्टेज पे गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल के हल्का सा ठंडा कर लेंगे। मिठाई के अंदर की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने ये 50 ग्राम गोले का बुरादा लिया है। ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप घर पे गोले का बुरादा बनाना चाहते हैं तो गोले के ब्राउन पार्ट को छील दें और उसके बाद उसे कद्दूकस कर लें, फिर एक बार मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर लें तो आपको इस तरीके का कोकोनट पाउडर घर पर ही बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने 50 ग्राम कोकोनट पाउडर ले लिया है और इसमें मैं ये येलो फूड कलर डालूंगी। ये मैंने एक पिंच से भी बहुत थोड़ा सा लिया है। मिठाई को अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ मैंने यूज किया है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, ये 2 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क है। तो इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें एक डो की तरह इसे बनाना है तो थोड़ा थोड़ा कंडेंस मिल्क डालकर और इसे एक डो बना लेंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ा सा चीनी को पीस के उसको डाल सकते हैं और उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें और उसके बाद दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके भी डो को बना सकते हैं। सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। मूंगफली का पेस्ट हल्का सा ठंडा हो गया है, ये देखिए मैं इसे हाथ से टच कर सकती हूँ पर हमें इसे पूरा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गरम गरम ही रखेंगे।
यहाँ मैंने एक पन्नी ले ली है, इस पे हम ये मूंगफली के पेस्ट को डालेंगे। अब हम इसे पन्नी की सहायता से अच्छे से गूंध लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट और चिकना हो जाए। इस तरीके से गूंदने से जो हमारा पेस्ट है वो बहुत ही चिकना हो जाता है और इससे बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर तैयार होगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कितना चिकना हो चुका है, बहुत ही अच्छे से हमने इसे गूंद लिया है। तो अब हम इसे वापस प्लेट पे निकाल लेंगे। जो हमने इसकी स्टफिंग तैयार करी थी वो भी रेडी है, तो इस स्टफिंग से हम छोटे छोटे से गोले बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी स्टफिंग लेंगे और छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। तो इस तरीके से मैं सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लूंगी। स्टफिंग से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इससे बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये पेस्ट हाथ पे लेंगे, इस तरीके से इसे गोल करना है। गोल करने के बाद इसे अंगूठे की सहायता से हल्का सा बीच से प्रेस करना है। देखिए, इस तरीके से इसे बीच से प्रेस करें और फिर इसे हल्का हल्का इस तरीके से उठाते चले जाएं। इस तरीके से इसे मैंने उठा दिया है साइड से और अब हम इसे इस तरीके से आगे से हल्का सा दबा देंगे, दिए की जैसी शेप दे देंगे, जैसे दिए की शेप होती है। और बीच में एक स्टफिंग भरेंगे, स्टफिंग को रख के अच्छे से इसमें इस तरीके से हम इसे बंद कर देंगे ताकि ये स्टफिंग इसमें अच्छे से सेट हो जाए। और इसमें हम बीच में एक बादाम लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हम पूरी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। मैंने सभी मिठाई बनाकर तैयार कर ली है और आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर तैयार हुई है और बहुत ही कम दाम पे हमने इसे बनाकर तैयार किया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसे थोड़ा सा कलर से डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ मैंने ये ग्रीन फूड कलर लिया है और ये रेड फूड कलर लिया है। इन दोनों कलर को यूज करके मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी। तो यहाँ हम एक दिया लेंगे और यहाँ मैंने ये एक ब्रश ले लिया है। इस ब्रश से हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो मैं पहले ये ग्रीन कलर ले लेती हूँ। ग्रीन कलर से हम इस पे इस तरीके से लाइन बनाएंगे। आप जैसे भी चाहे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पे मैं इस तरीके से इसमें तिरछी तिरछी लाइन बना दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इस पे ग्रीन ग्रीन लाइन बना दी है। आपके पास अगर दो ब्रश है तो आप उसे यूज कर ले, मेरे पास ये एक ही है। तो मैं इसे हल्का सा पानी से धो लूंगी और फिर रेड कलर में यूज करूंगी। ब्रश को मैंने धो लिया है तो अब हम रेड कलर यूज करेंगे। तो थोड़ा सा रेड कलर लेंगे और इस तरीके से हम इस पे अपोजिट डायरेक्शन में तिरछी लाइन बना देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिया बनकर तैयार हो गया है हमारा। देखने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से हम सारे दिए बनाकर तैयार करेंगे। सभी दियों को कलर कर दिया है और ये देखने में कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिए बनकर तैयार हुए हैं। आप इन्हें अपने मन चाहे डिजाइन में सजा सकते हैं। जैसा भी डिजाइन आपको पसंद हो उस तरीके से आप इन्हें सजाकर बना सकते हैं। और बहुत ही कम खर्चे में बहुत आसानी से हमने इन्हें बनाकर तैयार कर लिया है। इस दिवाली आप इसे जरूर ट्राई करें और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स में रेसिपी को शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।